तू तू यहाँ क्या कर रही है? साहब मैं तो बस पोछा लगाने आई थी यहाँ पे। पोछा लगाने आई थी? पागल वागल है क्या? दरवाजे पे साफ साफ लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, तो बिना पूछे अंदर कैसे आ गई? हाँ, और मेरी बात कान खोल के सुन ले, आइंदा से मेरे कमरे में बिना परमिशन के आई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। ओए क्या कर रही वहां पे तू मेरे लैपटॉप के पास में? साहब मैं तो बस आपका लैपटॉप साफ कर रही थी। लैपटॉप साफ कर रही तू? अरे तू पागल है क्या? तुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे लैपटॉप में? अगर मेरे डेटा को कुछ हो गया ना मैं तेरी हड्डी पगली तोड़ दूंगा। अरे तू अपने आप को समझती क्या है? काम ना काज की दुश्मन अनाज की। तुझे आए केवल 4 दिन हुए हैं और अपने आप को तू मालकिन समझ रही है यहाँ पे? और कान खोल के सुन ले, अगर तुझे मेरे यहाँ काम करना है तो औकात में काम कर, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा यहाँ से, समझी? चल निकल यहाँ से। यार कहीं से पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में? बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो। ओ सिट यार, इतनी इंपॉर्टेंट कॉल मेरे से कैसे मिस हो गई? अगर ये मुर्गा मेरे हाथ लग जाता तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का प्रॉफिट होता, पर अफसोस यार इतना बड़ा नुकसान हो गया। सिट यार, साहब जी पैर उठा लीजिए, पोछा लगाना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ? खड़े हो तो खड़े हो। तुझे दिख नहीं रहा है मैं कितना परेशान हूँ, मेरा कितना ज्यादा नुकसान हो गया है? और इतनी देर से मैं तुझे देख रहा हूँ, आगे पीछे किए जा रही है, तुझे और कहीं जगह नहीं मिल रही पोछा लगाने के लिए? तुम समझती क्या अपने आपको? तुम जैसे छोटे लोगों की यही आदत है, जहाँ अमीर मालिक देखा नहीं लगी चिपकने। देखो आगे से मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हें यहाँ आए केवल 4 दिन हुए, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश बिल्कुल ना करो, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुम जैसे गवार लोगों की यही आदत है, यू मस्ट डिस्कस्टिंग पीपल। I'm disgusting people. तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की न्यू IPS ऑफिसर हूँ। IPS ऑफिसर? हाँ सही सुना तुमने। तुझे क्या लगा मैं एक लाचार बेचारी काम वाली हूँ जो तेरे आगे पीछे घूमूंगी? मैं अंडरकवर मिशन पे हूँ। और फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इस सोसाइटी के किसी फ्लैट में ना बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और वो फ्लैट यही था। फिर हमने एक प्लान किया और सबसे पहले इस घर की नौकरानी को घर से बाहर निकाला, और उसके बाद इस ऑपरेशन का चार्ज मैंने लिया। तुम्हारे घर में नौकरानी बन के आई मैं। ए, तू ऐसे कोई भी कहानी बताएगी और मैं मान लूंगा क्या? मुझे पागल समझ रखा है? तेरे पास क्या प्रूफ है कि सारे स्कैम मैंने किए हैं? प्रूफ? ये है वो पेन ड्राइव जिसमें तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिनके साथ तुमने स्कैम किया। अरे आई एम सॉरी मैडम, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या होता है, वो तो मेरे दोस्तों ने मुझे फंसा दिया। मेरे पास कुछ पैसों की तंगी थी और पता नहीं मैं कैसे करने लग गया। फिलहाल मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरे दोस्तों की है। मैडम अगर आप मेरी कंप्लेंट करेंगे तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, और ऊपर से मेरे अगर फैमिली को पता चल गया तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अब मैं यहाँ से बर्बाद हो जाऊंगा और मेरे घर वाले मुझे अपने घर में भी नहीं रखेंगे, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो, और मैं कसम खा के बोलता हूँ मैडम आगे से कभी कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मैडम एक मौका दे दो मुझे। माफी? जो काम तूने किया है ना उसकी कोई माफी नहीं है। तेरे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तो अपनी नौकरानी के साथ कैसा बिहेवियर करता है? इस स्कैम के लिए भले तुझे कोई माफ कर दे, लेकिन उस बिहेवियर के लिए तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुझे जब औरतों की इज्जत करना नहीं आता तो अपने माँ बाप की इज्जत क्या करेगा? चल मेरे साथ। अरे नहीं मैडम, मेरी बात को समझो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज मैडम।